आप चाहे कितना ही सस्ता या कितना ही अच्छा टीवी ले लें, लेकिन आपकी टीवी की ऑडियो क्वालिटी एवरेज है, और उस एवरेज ऑडियो क्वालिटी को सिनेमैटिक ऑडियो क्वालिटी में बदलने के लिए आपको एक अच्छी साउंड बार की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक है, आपको साउंड बार तो चाहिए लेकिन ये नहीं पता कि कौन से ऑडियो सिग्नेचर की साउंड बार लेनी है, या फिर आपको जो साउंड बार पसंद है उसका क्या ऑडियो सिग्नेचर है, और ये काम मैं कर सकता हूँ। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं कहूंगा कि मैं पिछले 6 महीने से लगभग 25 साउंड बार को खरीद के उन्हें बर्न इन करके उसके ट्रू व्यूज करके आपको ये सारे वीडियोस दिखा चुका हूँ, और आपने इतने सारे वीडियोस देखे, लेकिन अब एक कंपैरिजन की बारी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 से लेकर 20,000 तक की सारी साउंड बार्स को कंपेयर करके ये बताने वाला हूं कि बेस्ट साउंड बार ऑफ 2022 एंड 2023 कौन सी है, और उसका ऑडियो सिग्नेचर आखिर है क्या। इस वीडियो को बनाने में मेरे कम से कम 3 लाख रुपए खर्च हुए। आप पूछेंगे कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि जितनी भी साउंड बार्स आप इस वीडियो में आगे देखेंगे और जो नहीं भी देखेंगे, उन सबको मैंने पहले खुद खरीदा, उसे बर्न इन किया, और उसके बाद अलग अलग रूम्स में उसे टेस्ट भी किया, और उसी रेंज में आने वाली सारी साउंड बार्स को आपस में कंपेयर करके भी ये देखा कि कौन सी साउंड बार बेस्ट है। इस काम को करने में मुझे 6 महीने से ज्यादा लग चुके हैं, और आज मैं आपको ये कंपैरिजन वीडियो बना के दिखा पा रहा हूं। इसमें मेरी 6 महीने की और मेरी टीम की 6 महीने की मेहनत भी शामिल है, और मैं ये सारा काम कर पाया सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से। जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जब आप लोग मेरा साथ देते हैं मेरे एफिलिएट लिंक से परचेज करके, तब इस चैनल की बहुत ज्यादा मदद होती है, और उससे हम थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के सारे प्रोडक्ट्स को खरीद के बिना किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप लिए हुए आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको एक सही गाइडेंस मिलती है, आप एक सही प्रोडक्ट खरीद के खुश हो पाते हैं, एंड दैट इज वेयर वी विन, एंड यही जीत मुझे हर बार बहुत ज्यादा खुश करती है। सबसे पहले आपको बताता हूँ 10 से 12,000 रुपीस के बीच में आने वाली साउंड बार्स के बारे में, जिसमें बहुत सारे मॉडल्स आते तो हैं, लेकिन क्या सारी साउंड बार्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा साउंड करती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए उनमें से मैंने शॉर्टलिस्ट किया, उन सभी साउंड बार्स को खरीदा, उसके बाद उन्हें बर्न इन करके प्रॉपरली कंपेयर किया, और उसका विनर मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। बट बाय द वे, अगर आपका बजट 10,000 से कम है तो आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी साउंड बार्स को जो 10,000 से कम की है उन्हें कंपेयर करके आपको यह बताया कि बेस्ट साउंड बार कौन सी है। अब आपको इस 10,000 से 12,000 वाले कंटेंडर्स दिखाता हूं। ये है सारे कंटेंडर्स जिन्हें मैंने खरीदा और उन्हें टेस्ट करके कंपेयर किया, लेकिन इनमें से विनर जानते हैं कौन सा है? Zebronics 9200 Pro, because according to me that is the best soundbar in this price range, और उसके कारण मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका ऑडियो टेस्ट। कैसी लगी आपको ऑडियो क्वालिटी? इसके बारे में मैं आपको अपनी राय दूं, उससे पहले आपको एक चीज समझाता हूं, इसे जरा ध्यान से समझिए। आपको सिर्फ बेस ही चाहिए ना साउंड बार से, आपको 10,000 रुपए से ऊपर खर्च करने की जरूरत नहीं है। 10,000 से नीचे ही आपको ऐसी साउंड बार्स मिल जाएंगी जिसमें आपको सिर्फ बेस मिलेगी, और आप बूम बूम बेस से खुद भी हिलेंगे और अपने पड़ोसी को भी हिलाएंगे। आप जब प्राइस रेंज को बढ़ाते हैं तो आपको वॉटेज थोड़ी यानी पावर थोड़ी ज्यादा तो मिलती है, लेकिन आप ज्यादा पैसे खर्च करते हैं क्लैरिटी पे, और आपको इस साउंड बार के अंदर भी वही सुनने को मिला, यानी Zebronics 9200 Pro के अंदर आपको वही क्लैरिटी सुनने को मिली। उसका कारण जानते हैं क्या है? इसके अंदर आपको जो अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं, दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस साउंड बार, और उससे भी ज्यादा मैजिकल पार्ट है कि आपको 2 अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स के साथ साथ 2 अपवर्ड फायरिंग ट्वीटर्स भी मिल रहे हैं। उससे क्या होता है? द काइंड ऑफ क्लैरिटी दैट यू गेट,
जब आप अपने टीवी में उस साउंड बार को लगाते हैं और उस टीवी के अंदर आपको जब डायलॉग्स प्रॉपरली सुनाई देने लगते हैं और बेस की कोई कमी नहीं होती, मैं बोलता ही नहीं रहूंगा, आपको सुनाऊंगा भी। सुनिए जरा इसे। आपको डायलॉग जान के नहीं सुना है मैंने, मैं आपको सुनाना चाहता था कि आपको बेस कैसी मिलती है, आपको ओवरऑल सराउंड इफेक्ट कैसा मिलता है, क्योंकि अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर का जो कमाल होता है वो आपको इस साउंड बार में, इस ऑडियो क्वालिटी में सुनने को मिला। ये पूरी क्लिप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ऑडियो फाइल्स के लिंक में भी मिलेगी, आराम से सुन लीजिएगा। आपको जो मैं कह रहा हूं वही ट्रांसलेट होता हुआ दिखेगा, यानी सुनाई देगा ऑडियो क्वालिटी में। बाय द वे, अगर आपने इस साउंड बार का मेरा पूरा वीडियो नहीं देखा तो ये रहा इसका ट्रू व्यू। आपको इसे भी जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर आपका बजट ये है, और आपको डेफिनेटली ये साउंड बार तो लेनी ही चाहिए। इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अप्रॉक्सीमेटली 12,000 रुपीज कॉस्ट करेगी, एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट क्लियर साउंड बार। आपको इसके अंदर अटमोस्ट क्लैरिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स एंड ट्वीटर्स। और इसके अंदर जो बेस है दैट इज मोर ऑफ लोअर बेस, वो ज्यादा आपको फील होगी, आपको यहां पे फील होगी, आपको पूरी बॉडी में फील होगी, आपको वो सुनाई नहीं देगी, यानी अपर बेस नहीं है। एंड दैट इज द मैजिकल पार्ट ऑफ दिस साउंड बार। आपको अपर बेस मिलने पे सिर्फ सुनाई देती, फील ना होती, और आपके डायलॉग्स को वो बेस के साथ लेके आती जहां से आपको टीवी देखने में बड़ी परेशानी होती है, वो इस साउंड बार में नहीं हो रहा है। दैट इज सो गुड। आपको इस साउंड बार के अंदर जो कमी मिलती है वो है HDMI इन पोर्ट का ना होना। अगर आपको नहीं चाहिए और अगर आपको पता भी नहीं है कि वो क्या है, देन इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट HDMI इन पोर्ट होने से ये हो सकता था कि आप इसी साउंड बार के अंदर ही गेमिंग कंसोल को या सेट टॉप बॉक्स को कनेक्ट कर सकते थे, और HDR पास थ्रू भी होता और पता नहीं और क्या 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 होता। तो मैं तो कल्पनाएं करता रहूंगा, लेकिन एट दिस प्राइस पॉइंट दिस साउंड बार इज सो मेलोडियस एंड सो गुड। अगर मुझे खरीदनी होगी तो मैं कुछ नहीं देखूंगा और मैं इसी साउंड बार को खरीदूंगा अपने लिंक से। आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आपको ये बताता हूं कि मैंने JBL की 240 या 241, बोट की नई साउंड बार ओपेरा, और जेब्रोनिक्स की ही 9000 या फिर 9001 प्रो को क्यों नहीं चुना इस पोजीशन के लिए। द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल। बोट के अंदर आपको डायलॉग्स की क्लैरिटी बहुत ज्यादा कम मिलती है, ओपेरा के अंदर कुछ खास नहीं करा गया है, कोई खास एडवांसमेंट नहीं है, वही सेम ऑडियो सिग्नेचर है बोट का जो उनकी हर साउंड बार के अंदर सुनने को मिलता है, विद वेरी हैवी एंड बूमी बेस विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपर बेस। वो कुछ ना कुछ कॉपी करते हैं सोनी की, और वही ऑडियो सिग्नेचर आपको देखने को सुनने को मिलता है बोट की ओपेरा साउंड बार से। जेब्रोनिक्स 9000 एंड 9001 प्रो के अंदर क्लैरिटी बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी आपको 9200 प्रो के अंदर मिलती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज 9200 प्रो एक वायरलेस सबवूफर के साथ आती है, जबकि 9000 और 9001 के अंदर आपको वायर्ड सबवूफर मिलता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू कंसिडर। नाउ कमिंग टू JBL 240 एंड 241, उनके अंदर आपको आउटपुट बहुत ज्यादा कम मिलता है। आई थिंक इट्स ओनली अ 120 वॉट साउंड बार विद वायर्ड सबवूफर, और इसकी यही कमियों की वजह से ये जितनी भी और दूसरी साउंड बार्स थी वो आउटशाइन कर रही थी JBL से। बट JBL हैड अ वेरी वेरी गुड ऑडियो सिग्नेचर, उसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड साउंड बार फॉर बेस लवर्स। इसलिए Zebronics 9200 Pro becomes the winner of this particular competition, and इसका लिंक दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। What are you waiting for? नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट 13,000 to 15,000 रुपीज। ये भी एक बहुत कंफ्यूज्ड सेगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस आती तो हैं, लेकिन आपको और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए मैंने इस सेगमेंट के अंदर एक 5.1 साउंड बार ली है। जी हाँ, बोट की 3100D। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव फेस दिस क्वेश्चन कि बोट की 3100D बड़े अच्छे प्राइस में मिल रही है, क्या मैं वो ले लूं, क्या आपको चाहिए। आपको एक बात को बहुत अच्छे से समझना है, समझिए।
या आप में से कई लोगों का सवाल होता है कि सेल में मुझे बहुत सस्ती 5.1 साउंड बार मिल रही है और एक दूसरी 2.1 साउंड बार मुझे बहुत पसंद है, इन दोनों में से बेटर कौन सी होगी? दोस्तों, क्या आपको 5.1 साउंड बार की जरूरत है? हाथ जोड़ के ये समझाना चाहता हूं आपको कि 2.1 को 5.1 के साथ कभी कंपेयर नहीं करते, क्योंकि एक 5.1 साउंड बार जो वर्चुअल सराउंड का इफेक्ट आपको दे पाएगी वो एक 2.1 कभी भी नहीं दे सकती। इस बात को आपको पहले समझना है। और दूसरी बात कि आपको 2.1 साउंड बार की जरूरत है या फिर आपका रूम इतना बड़ा और इतना चौड़ा है कि आप एक 5.1 सराउंड साउंड बार लगा सकते हैं, और अगर उतना बड़ा है देन यू शुड एंड यू मस्ट वॉच दिस वीडियो जो मैंने रिलीज किया था सारी 5.1 साउंड बार को कंपेयर करने के बाद। उसके अंदर डिटेल में यह भी बताया था कि आपको 5.1 साउंड बार किस सिनेरियो में लेनी और किस में नहीं लेनी चाहिए, उसे देखिएगा। तो वापस बात करते हैं उसी 13,000 से 15,000 रुपए के कंपैरिजन की, और बोट, जेब्रोनिक्स, मोटोरोला और JBL के बीच में कौन जीता? ऑफकोर्स JBL 271, या फिर आप उसे 270 कह सकते हैं, एंड दैट इज अ पावर हाउस। इट इज अ मैजिकल साउंड बार। आप उससे बोट वाली बूम 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 बेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे यहां पे ठा 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 वाली साउंड बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट विल हिट यू सो हार्ड एंड सो ब्यूटिफुली दैट आपको मजा आने लगेगा। मैं बात नहीं करता रहूंगा, सुनिए इसे। एक्चुअली में डॉल्बी डिजिटल एक्सपीरियंस आपको मिलता है क्योंकि आपको दो स्पीकर्स और दो ट्वीटर्स का जो मैजिक इसमें मिल रहा है वो कई लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए सिर्फ ज्यादा बेस। और मेरी अगर आप बात माने तो ज्यादा बेस के लिए इस साउंड बार को कभी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर जितनी जबरदस्त बेस मिलेगी जो फील होगी वो आपको किसी बोट की साउंड बार जैसी बेस में नहीं मिल सकती। क्योंकि अगर आपको वैसी सुनने वाली बेस चाहिए, अपर बेस, देन दिस इज नॉट द राइट साउंड बार फॉर यू। दिस इज द साउंड बार फॉर द पीपल जिन्हें बहुत जबरदस्त क्लैरिटी चाहिए, जिन्हें एक वर्चुअल सराउंड का इफेक्ट चाहिए अपने रूम के अंदर, जिन्हें एक्चुअली में सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए, जिन्हें एक्चुअली में ये समझ है कि अच्छी ऑडियो क्वालिटी क्या होती है, सारे नोट्स को सुन पाना किसे कहते हैं, और हर गाने के अंदर एक एक छन छन हर चीज की आवाज को जब आप क्लियरली सुन पाते हैं, जब आपको पता चलता है कि लेफ्ट और राइट के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, देन दैट इज कॉल्ड क्लैरिटी, दैट इज कॉल्ड मैजिक। और ये मैजिक आपको ऑडियो वीडियो टेस्ट के अंदर भी सुनने को मिलेगा। इसे देखिए। मैं बार बार आपको वही चीज सुना रहा हूं, हर साउंड बार के अंदर वही सॉन्ग और वही ऑडियो वीडियो क्लिप सुनाऊंगा ताकि आपको यह पता चले कि इन सभी साउंड बार्स में फर्क क्या है, क्यों इनके पैसे ज्यादा हैं, क्या ब्रांड अपने नाम के पैसे ले रहे हैं या आपको ज्यादा क्लैरिटी की वजह से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। एंड यस, JBL 271 या फिर 270 के अंदर आप ज्यादा क्लैरिटी पे पैसे देते हैं, 1-2 हजार रुपए ज्यादा, एंड दे आर एब्सोल्यूटली वर्थ इट बिकॉज This soundbar is actually a magic. आप जब इस soundbar को अपने रूम में लगाएंगे, let's say about 250 square feet तक के रूम के अंदर, it will sound magical. Why? Because आपको कहीं से बेस की कमी नहीं होगी, इसमें कूट कूट के लोअर बेस भरी गई है। आपको इस डाउन फायरिंग सबवूफर से जो मजा आएगा
वो आपको शायद ही किसी और साउंड बार के सबवूफर से आ पाए। आपको कोई और ब्रांड के सबवूफर, लेट्स से बोट, लेट्स से ज़ेब्रोनिक्स आपको ज्यादा बेस दे सकते हैं फॉर श्योर। और ज़ेब्रोनिक्स जैसे ब्रांड के अंदर तो आपको लोअर बेस भी मिलेगी और वो ज्यादा भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको बिल्कुल बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर चाहिए, बिल्कुल उतनी ही बेस जितनी किसी म्यूजिक कंपोजर ने उस सॉन्ग में डाली है, जितनी उस मूवी में डाली है, देन यू आर एट द राइट प्लेस। You are buying the right soundbar और JBL 270 या फिर 271 is your answer, क्योंकि clarity में कोई कमी नहीं because इसमें tweeter है, इसमें कोई bass की कमी नहीं because the bass, the subwoofer is sounding so well, so beautifully. What are you waiting for? Links are in the description box. 14,000 rupees के आसपास ये हमेशा cost करती है, मेरे link से लेना दोस्त please. एक और प्राइस पॉइंट और उसमें एक और टाइप की नई कंफ्यूजन। चार अलग अलग साउंड बार्स, लेकिन उनमें से दो 5.1 साउंड बार, बड़े बड़े नाम, ज़ेब्रोनिक, सोनी, ऐसे साउंड बार्स के बीच में कंपैरिजन होना इम्पॉसिबल था। लेकिन आप लोगों के कंफ्यूजन को मैं समझता हूं। आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जब आपको ज्यादा वैल्यू मिल रही हो। 5.1 भैया, 5 स्पीकर मिल रहे हैं और यहां सिर्फ 2। आपको एक अच्छी साउंड बार खरीदनी है और अगर आपका रूम बड़ा है, देन द विनर इज ज़ेब्रोनिक्स 9500 प्रो एंड द रीजंस आर सेवरल। लेकिन आपको उससे पहले कुछ जानना है। एक अच्छी साउंड बार से आपको सेपरेशन, डेप्थ और एक अच्छे साउंड स्टेज को पाने के लिए एक अच्छी 5.1 साउंड बार ही लेनी चाहिए। उसी से आपको वर्चुअल सराउंड साउंड का इफेक्ट सुनने को मिलेगा अपने रूम में और आपको सिनेमा हॉल वाली थिएटर लाइक एक्सपीरियंस देखने को और सुनने को मिलेगा। ये बात तो बहुत सही है, लेकिन आपके रूम का साइज मिनिमम 250 से 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए और मिनिमम 15 फीट वाइड आपका रूम होना चाहिए, तभी आपको एक 5.1 साउंड बार को लेने का फायदा है, तभी आपको मजा आएगा और तभी आप एक साउंड स्टेज बना पाएंगे। ज़ेब्रोनिक्स के 9500 प्रो के अंदर आपको अलग अलग टाइप के ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको साउंड बार के अंदर 3.5 इंच के ड्राइवर्स देखने को मिलेंगे 3, लेकिन सराउंड चैनल्स के अंदर आपको 3 इंच ड्राइवर मिलेंगे और वो बहुत डिफरेंट तरीके से ट्यून करे जाने चाहिए थे, जो कि करे गए हैं एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। क्योंकि आपको सराउंड स्पीकर्स के अंदर यानी सराउंड चैनल्स के अंदर कभी भी वही सेम आवाज नहीं आनी चाहिए जो आपको फ्रंट ड्राइवर से आ रही है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ज़ेब्रोनिक्स हैज डन इन 9500 प्रो। इसके अंदर आपको वो अलग सराउंड फ्रीक्वेंसीज प्ले होती भी सुनाई देंगी जो होनी चाहिए एंड मैं बोलता नहीं रहूंगा, सुनाऊंगा आपको, जल्दी से सुनिए इस ऑडियो टेस्ट को। जानते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम मैंने इसकी सराउंड चैनल्स की वॉल्यूम को कितना रखा था? 0। कितनी मैक्सिमम है? 5। मैंने ऐसा क्यों करा? वो इसलिए क्योंकि आपको ये सुना सकूं कि 0 रखने के बाद भी सराउंड चैनल्स बहुत प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। आप इन्हें -5 तक कम से कम लेके जा सकते हैं और +5 मैक्सिमम लेके जा सकते हैं, लेकिन 0 पे भी ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है, यू डोंट नीड दैट एक्स्ट्रा। By default, this soundbar is performing so very good. आपको एकदम punchy, एकदम टक्कर मारने वाली bass मिलती है, आपको यहाँ सीधा hit करती है, because that is the lower bass that you get in this soundbar. There is very less upper bass जो आपको सुनाई भी देती है, लेकिन आपको जो सबसे best part है soundbar का वो है clarity. जो आपको फ्रंट के 3 ड्राइवर्स मिलते हैं वो अलग तरीके से ट्यून करे गए हैं, सराउंड चैनल्स के ड्राइवर्स बिल्कुल अलग तरीके से ऑब्वियसली ट्यून करे गए हैं एंड इसका इफेक्ट जो मूवी सीन्स में आता है वो भी सुनिए और देखिए।
मजा, ये होता है एक्चुअली में वर्चुअल सराउंड साउंड इफेक्ट। आपको जो चारों तरफ से आवाज आती है, आपको ऐसे लगता है कि यार यहां से भी आई, यहां से भी आई, ऊपर से भी आई, ये होता है वर्चुअल सराउंड इफेक्ट एंड दैट इज व्हाट यू गेट इन दिस साउंड बार। S20R में क्यों नहीं, S20R के अंदर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलती एंड दैट इज वेयर इट लैक्स। ये सोनी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम इन देयर साउंड बार DNA। देखिए कोई साउंड बार या कोई भी ब्रांड खराब नहीं होता है, हर एक का अपना एक सेट ऑफ ऑडियंस होता है। अगर आपको सिर्फ बूम 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 सुनना है, सोनी ले लीजिए, आपको उसके अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि वो है ही बूम 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 बूम। आपको उसके अंदर डायलॉग सुनने में बहुत परेशानी आएगी, लेकिन नॉट इन ज़ेब्रोनिक्स। आपको 5.1 साउंड बार लेनी है, ज़ेब्रोनिक्स 9500 प्रो इज द आंसर। और यस, अगर आपको इतना बड़ा रूम नहीं है लेकिन आपका बजट इतना है, देन यू शुड गो फॉर ज़ेब्रोनिक्स 9800 प्रो। मैंने अपने बेडरूम में भी वही लगा रखी है एंड इट इज अ वेरी वेरी गुड साउंड बार। हमने तो टेस्टिंग के लिए लगाई हुई है इस समय, लेकिन इट इज अ वेरी गुड साउंड बार, वेरी वेरी गुड साउंड बार। आपको उसके अंदर भी अपवर्ड फायरिंग ड्राइवर्स मिलते हैं, द काइंड ऑफ क्लैरिटी दैट यू गेट इन 9800 प्रो दैट इज ऑल्सो अनमैचेबल। बट लेट इज कम बैक टू अगेन 9500 प्रो, ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन इट इज अ गुड साउंड बार। आपको इसके अंदर जो अनमैच्ड क्वालिटी मिलेगी 5.1 की, दैट यू कैन नॉट गेट इन एनी अदर साउंड बार इन दिस प्राइस रेंज। इस प्राइस रेंज के अंदर आपको ऐसे सराउंड चैनल्स भी नहीं मिलेंगे जो ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि सराउंड चैनल्स का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को प्ले करने का ही काम होता है, कुछ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। आप उससे वोकल्स की उम्मीद करेंगे कि भैया किशोर कुमार की आवाज भी मेरे सराउंड चैनल से आनी चाहिए, तो ऐसा तो होने नहीं वाला है। लता मंगेशकर अगर गाएगी तो वो फ्रंट चैनल से ही गाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको सराउंड चैनल्स में राइट फ्रीक्वेंसीज प्ले होती भी सुनाई देंगी, आपको सराउंड साउंड का एक वर्चुअल इफेक्ट भी बनेगा एंड यू नो यू विल ओवरऑल लव द एक्सपीरियंस। आपको एक थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब आपको कहाँ जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अफिलिएट लिंक दिए हैं, उन्हें यूज करके इस साउंड बार को परचेज करिए और अपने घर को एक मिनी होम थिएटर बनाइए। लेकिन पड़ोसी से अगर लड़ाई हुई तो मेरी गारंटी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइस सेगमेंट, 19 से 20,000, लेकिन मैंने थोड़ी लिबर्टी ली है, 22,000 इसे कर दिया है क्योंकि इसमें अच्छी साउंड बार्स आती हैं। एक कंटेंडर उसके अंदर है यामाहा की YS109, ये एक सोलो साउंड बार है और मैंने इसे इस कंपटीशन से आउट रखा है। उसका कारण सिर्फ ये है कि आप सोलो साउंड बार को किसी भी 2.1 साउंड बार, यानी एक ऐसी साउंड बार जिसमें सबवूफर भी साथ में आता है, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। बट इफ यू डोंट नीड अ सबवूफर एंड यू ओनली नीड एब्सोल्यूट क्लैरिटी, तो इस सेगमेंट की वही एक विनर है, उसे मैं अलग रखता हूं। आपको दो साउंड बार्स बताता हूं, सोनी S400 और सैमसंग B550। ये दोनों 2.1 साउंड बार्स हैं, दोनों के मैं ट्रू व्यूज कर चुका हूं। आपने नहीं देखे, ये रहे वो दोनों ट्रू व्यूज, आप इन्हें आराम से देख सकते हैं बाद में। लेकिन अगर इन दोनों साउंड बार्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, देन हु इज द क्लियर विनर? एक्चुअली देयर इज नो क्लियर विनर इन दिस, क्योंकि आप सभी लोगों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग अलग होती हैं एक दूसरे से। आपकी चॉइस अलग है, लेकिन आपके भाई की चॉइस अलग है और आपके पड़ोसी की चॉइस और भी अलग है। आप सब अलग अलग टाइप के जॉनरा सुनते हैं म्यूजिक में, आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं मूवीज में भी, तो आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है एक साउंड बार में भी। इसीलिए मैं दोनों के ऑडियो सिग्नेचर्स को कंपेयर करके आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी साउंड बार आपके लिए अच्छी है और कौन सी साउंड आपके दोस्त के लिए या आपके भाई के लिए अच्छी है, यानी दोनों के अलग अलग ऑडियो सिग्नेचर्स बताऊंगा। लेकिन आप इतनी महंगी साउंड बार खरीद रहे हैं 19,000 से लेके 22,000 रुपीज के बीच में, तो आपको एक बात जरूर जाननी चाहिए। इतनी महंगी आप साउंड बार खरीद रहे हैं लेकिन आपको वारंटी मिलेगी सिर्फ एक साल की। एक साल के बाद अगर आपकी साउंड बार मान लीजिए खराब हुई, गई भैंस पानी में, और आपकी साउंड बार एक डब्बे से ज्यादा और कुछ नहीं, क्योंकि ब्रांड कोई सुनवाई नहीं करेगा और हो सकता है उसके पास वो वाले पार्ट्स हो या ना हो और वो बहुत एक्सपेंसिव हो, आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट करें,
इसलिए आपको क्या करना है, एक साउंड बार खरीदते ही एक अच्छी सी एक्सटेंडेड वारंटी खरीदें, ताकि आपकी साउंड बार की परचेज हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। आप 4-5 साल तक उससे कुछ भी प्रॉब्लम हो आराम से निश्चिंत होके बैठ जाएं। और मैं ऐसी एक्सटेंडेड वारंटी आपको रेकमेंड करना चाहता हूं जिसमें मेरा अपना पर्सनल कोई फायदा नहीं है, मैं कोई अफिलिएट लिंक नहीं देता, जबकि होता है उसका अफिलिएट लिंक, लेकिन फिर भी मैं नहीं देता आपको। आपको मैं गो वारंटी की एक्सटेंडेड वारंटी प्लान रेकमेंड करता हूं। उनकी वेबसाइट पर जाके उनसे कहीं से भी कितना भी सस्ता करके खरीदें, चाहे अमेज़न से खरीदें, लेकिन कम से कम अपनी साउंड बार को प्रोटेक्ट करके चले फ्रॉम द डे वन। सबसे पहले बात करते हैं सोनी के बारे में, क्योंकि सोनी फैंस आर रियली डिफरेंट। एंड आप अगर एक सोनी फैन हैं और आपको अगर सोनी का ऑडियो सिग्नेचर पसंद है तो कमाल है। कोई और साउंड बार की आप कोई और साउंड बार आपके सामने रखूं तो आपको पसंद आएगी? कभी भी नहीं, क्योंकि आपको सोनी की बेस की आदत है। दैट इज लाइक बेबी को बेस पसंद है वाली बात। एंड उसके अंदर आपको जो 330 वॉट की ये साउंड बार यानी S400 के अंदर जो आपको S4 प्रो वाली साउंड बार मिलती है, दिस इज ट्रूली मैग्निफिसेंट। व्हाई? बिकॉज इसमें आपको जो पंच मिलता है बेस का, जो आपको धड़ाम से एक साउंड बार के अंदर बेस आती है, दैट इज समथिंग दैट यू डू नॉट गेट इन एनी अदर ब्रांड। कम वॉट में आपको कोई ब्रांड वो चीज नहीं दे सकता। आपको वो सैमसंग, जेब्रॉनिक्स, बोट, यामाहा, कोई ब्रांड नहीं दे सकता, बिकॉज यू गेट अ सर्ज ऑफ पावर इन द अपर बेस। अपर बेस इस साउंड बार की इतनी ज्यादा है, चलिए आपको पहले सुनाता हूं, सुनिए। Now this is what I call as bass। आपको इतनी जबरदस्त बेस सुनाई देगी, डिफरेंस समझिए, आपको बेस सुनाई देगी। बाकी सारी साउंड बार जो मैंने अभी तक आपको बताई उसमें आपको बेस फील होती है, सोनी में सुनाई देती है। This is why this is called upper bass। आपको ये बेस अगर चाहिए, आपको अगर अपने पड़ोसी को हिलाना है, अगर आपको उससे गालियां पड़नी हैं और आप चाहते हैं कि पड़े यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हिलाना है उसको और पूरे घर को, देन सोनी S400 इज योर आंसर। आपको इतनी शानदार बेस और किसी में नहीं मिल सकती। आपको डायलॉग्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डायलॉग सुनने में थोड़ी सी बेस उसमें ज्यादा मिलेगी, आपको थोड़े भारी वोकल सुनाई देंगे, आपको लेट्स से अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई देगी, एंड इफ यू लाइक दैट देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउएवर अगर आप इसी साउंड बार के अंदर नाइट मोड को ऑन करेंगे तो यही अमिताभ बच्चन की आवाज आपको नॉर्मल सुनाई देगी, क्योंकि सब वूफर के अंदर जो पावर डिलीवरी है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रंट ड्राइवर्स जो दो हैं साउंड बार के वो काम करते हैं ज्यादा, एंड यू हेयर अ लॉट ऑफ गुड वोकल्स एंड दैट इज रियली रियली गुड। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा शानदार तरीके से काम नहीं करती वो क्या है, पहले आप इस ऑडियो वीडियो टेस्ट को सुने। सोनी कहता है S4 प्रो फ्रंट सराउंड साउंड एंड डॉल्बी डिजिटल, ये जो भारी भरकम वर्ड्स और टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो इसमें बहुत शानदार काम नहीं करती। एंड व्हाई एम आई सेइंग दिस, बिकॉज डॉल्बी डिजिटल को देने के लिए आपको एक अटमोस्ट क्लैरिटी चाहिए, आपको हर बीट का हर नुआंस बहुत शानदार तरीके से सुनाई देना चाहिए, आपको एक एक चीज बहुत बारीकी से सुनाई देनी चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि लेफ्ट ड्राइवर से आवाज आई या राइट ड्राइवर से आवाज आई या कितनी डेप्थ से आवाज आई, वो इसमें पता नहीं चलता। एंड दैट इज व्हाई डॉल्बी डिजिटल डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू मी एज पर माई नॉलेज। लेकिन क्या आपको डॉल्बी डिजिटल की डीकोडिंग नहीं मिलेगी? एब्सोल्युटली बिल्कुल मिलेगी। और आप अगर
ऑडियो फाइल्स को क्लिक करके सुनेंगे तो आपको एक वर्चुअल सराउंड की फीलिंग भी आएगी। और वो वर्चुअल सराउंड क्या है? That is the loudness of this sound bar. This sound bar is surprisingly loud. 330 watt ki honi ke bawajood bhi, this is really loud sound bar and I simply love it. Aapka 200 square feet ka room hai, this is going to rock. 250, this is going to do magic. 300 square feet, no problem at all. Aap is sound bar ko किसी भी रूम साइज में लगाएं, लेट्स से अबाउट 300-350 स्क्वायर फीट तक भी, तो भी आपको बहुत मजा आने वाला है इन टर्म्स ऑफ बेस, इन टर्म्स ऑफ द पावर इट गिव्स यू, एंड दैट इज द मैजिक ऑफ सोनी साउंड बार, सोनी S400 साउंड बार, यू आर गोइंग टू लव इट। आपको ये साउंड बार अप्रोक्सीमेटली 22,000 रुपीज या 23,000 अगर सेल ना चल रही हो या अगर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो गया हो तो मिलेगी। इसके एग्जैक्ट प्राइसेस आपको लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरा अफिलिएट लिंक है, उसे क्लिक करके आपको पता चलेंगे। इसे ज़रूर चेक करिए, इट इज़ अ पावरफुल एंड मैजिकल ट्रूली बेस साउंड बार, जल्दी जाइए। अब बात करते हैं 19 to 22,000 रुपीस के दूसरे कंटेंडर यानी Samsung B550 के बारे में। इट इज अ 2022 मॉडल एंड बॉय ओ बॉय, दिस इज बाय फार द बेस्ट साउंड बार अंडर 20,000 अकॉर्डिंग टू मी। आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, मेरी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेरी जितनी भी समझ है उसके हिसाब से B550 इज द बेस्ट साउंड बार इन दिस पर्टिकुलर प्राइस रेंज। इसका एक बहुत जबरदस्त कारण है, the kind of power it has, ये बहुत different तरीके की power है। इसमें जो tuning करी गई है वो बहुत different तरीके से करी गई है। इसकी power distribution के अंदर lower bass को ज़्यादा importance दी गई है, upper bass को बहुत कम importance, और उसके बाद आपको vocals की importance ज़्यादा मिलती है, आपको higher notes की importance ज़्यादा मिलती है, और आपको ये audio test सुनना चाहिए, जल्दी से सुनिए। ये गाना तो NCS का था और आपको सभी साउंड बार्स में मैंने यही सुनाया, लेकिन इसमें एक छोटा सा चेंज करा। मैंने क्या करा, इस साउंड बार में आने वाले DTS वर्चुअल X मोड को ऑन कर दिया, और उससे जो एक्सपीरियंस आपको सुनाई दिया, आप बेशक ऑडियो फाइल्स को जब क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो भी आप यही चीज सुनेंगे और महसूस करेंगे। यू विल रियलाइज कि आपको जो एक वर्चुअल सराउंड का इफेक्ट आया, यू डिड नॉट गेट इट इन एनी अदर साउंड बार। एंड व्हाई इज दैट? इस साउंड बार के अंदर आपको 5 ड्राइवर्स मिलते हैं, और जानते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक वो रिस्पांस देते हैं। एंड इमेजिन द काइंड ऑफ वाइड रेंज ये ड्राइवर्स उसमें रिस्पांस देते हैं। इमेजिन दिस, आपको इतनी जबरदस्त इसमें क्लैरिटी मिलेगी, एक एक छोटी से छोटी चीज। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, आपका एक फेवरेट सॉन्ग है, आपने इस साउंड बार में वो फेवरेट सॉन्ग अपना चलाया, आपको कोई ना कोई नई चीज उसमें सुनने को मिलेगी, 100% गारंटी, 100% श्योर हूं मैं। क्यों? बिकॉज इसमें वो क्लैरिटी इतनी ज्यादा है, इतनी जबरदस्त क्लैरिटी के साथ ये साउंड बार आती है कि आपको वो छोटी छोटी बीट्स तक सुनाई देंगी, और वो भी बहुत क्लियरली। आपको बेस में कोई कमी मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं, पावर की कोई कमी नहीं करी गई 410 वॉट्स के अंदर से। आई थिंक आई एम अज्यूमिंग कि बहुत अच्छी पावर लोअर बेस के अंदर दी गई है। आपको वो बेस बहुत ज्यादा महसूस होती है, सुनाई नहीं देती, बिकॉज इसके अंदर अपर बेस को इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई, एंड दैट इज वाई दिस बिकम्स अ मैजिकल ऑप्शन। क्योंकि आपको बेस की कोई कमी तो हो नहीं रही, लेकिन आपको सारी चीजें सुनाई दे रही है। अब आप जरा इस ऑडियो वीडियो क्लिप को सुनिए और देखिए।
मजा आ जाता है जब आप इस सीन को इस साउंड बार के अंदर रियलिटी में सुने। आपको ऑडियो फाइल्स दी हैं, उसे क्लिक करके जब आप सुनेंगे तब आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे, बिकॉज आपको जो नीचे से ग्राउंड से एकदम बेस आती है और जो आपको यहां तक महसूस होती है, दैट इज व्हाट यू विल लव। अगर आपको ऐसी साउंड बार पसंद है जिसमें इस टाइप की बेस होती है, देन दिस इज द वन दैट यू शुड गो फॉर। बट क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेस है? नॉट एट ऑल। क्या ये ज़ेब्रोनिक्स जैसी लोअर बेस है? नहीं, क्योंकि ज़ेब्रोनिक्स के अंदर थोड़ी सी ओवर पावर्ड लोअर बेस होती है। उनका फोकस या फिर उनका जो ऑडियो सिग्नेचर है, ज़ेब्रोनिक्स का जो डीएनए है, वो थोड़ी ज्यादा लोअर बेस देते हैं, दैट इज मोर पावरफुल। बट सैमसंग या फिर आप इसे JBL भी कह सकते हैं, बिकॉज JBL इज ऑल्सो ओन्ड बाई सैमसंग नाउ। ये दोनों ब्रांड्स थोड़ा अलग टाइप से ट्यून करते हैं। पर्टिकुलरली सैमसंग अपनी साउंड बार्स को इस तरह से ट्यून करता है कि परफेक्टली बैलेंस्ड ऑडियो सिग्नेचर आपको सुनने को मिले। जितनी बेस उस सॉन्ग में, उस मूवी में है, आपको उतनी ही सुनने को मिले, बाकी सारे नोट्स प्रॉपरली डिलीवर हों। इफ यू वॉन्ट दैट, देन दिस इज द वन दैट यू शुड बाय। ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर बूम 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 बेस। इफ यू आर लुकिंग फॉर नॉर्मल बेस, इफ यू वांट द बेस टू बी वेरी पावरफुल, इफ यू वांट कि सारे नोट्स आपको सुनाई दें, सैमसंग B550, इसके लिंक्स आपको दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो मेरे अफिलिएट लिंक है। रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उन्हें यूज करें, 20,000 रुपीज के आसपास आपको ये समय कॉस्ट करेगी। आपको इसके कॉन्स भी मैं बता चुका हूं। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यहां तक अगर आपने ये वीडियो देखा है देन थैंक यू वेरी मच। और आपको अगर 23,000 से लेकर 28,000 के बीच में एक अच्छी 5.1 चैनल साउंड बार चाहिए, तो मैंने उसका अलग से एक कंपैरिजन ऑलरेडी बना के रिलीज कर दिया है। Why did I do that? Because इतना लंबा वीडियो हो चुका था और मुझे उन्हें अलग से अटेंशन देनी थी। ये रहा वो वीडियो, आप इसको क्लिक करके अभी देख सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो। इसमें सारी साउंड बार्स को मैंने थॉरली कंपेयर करके उनके अंदर भी आपको ऑडियो फाइल्स दी हैं, ताकि आप अपने पैसे की सही वर्थ को पा सकें और वो साउंड बार खरीदें जिसका ऑडियो सिग्नेचर आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो। बट प्लीज मेरे लिंक को यूज़ करके अपनी परचेज को पूरा करिएगा। इस चैनल की बहुत ज़्यादा मदद होती है और मैं आपकी भरोसे ही इस चैनल को चला पाता हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल है जो मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं किया, तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका जवाब जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले ट्रू व्यू में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते आपके लिए दो सजेशंस देके जा रहा हूँ, इन्हें भी ज़रूर देखिएगा।